बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल हुंजा फूड एंड स्किन सीक्रेट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सोडा वाटर, वो भी कमर्शियल स्टाइल में, जो कि बहुत ही क्विक एंड इंस्टेंट बनेगा और बहुत ही मजे का बनेगा। गर्मियों के लिए ये एक बेस्ट और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है। इसको आपने जरूर ट्राई करना है, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए चलते हैं कमर्शियल स्टाइल क्विक एंड इंस्टेंट सोडा वाटर की रेसिपी की तरफ, जो बहुत ही जल्दी और मज़े का तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, यानी कि शीरा। और शीरा बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप चीनी ली है, जो मैं इस पैन में डाल रही हूँ। और अब मैं इसको रखूँगी फ्लेम के ऊपर। हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप पानी के। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप और पानी डाली, यानी कि पूरा मैंने इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला है। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये चीनी डिजॉल्व हो जाए और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो इट्स मीन हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। कंटिन्यूसली आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। आप इस शीरे को 2 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमारी चीनी अच्छे से डिजॉल्व हो गई है और देखिए मेल्ट भी हो गई है। अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक नहीं हो रही तो आप मज़ीद इसमें चीनी भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको मैं मज़ीद 3 से 4 मिनट तक कुक करूँगी। उसके बाद हमारा शुगर सिरप यानी कि शीरा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आपको इस तरह पता लगेगा कि ये कुक हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें ऐसे बबल्स अपेयर होने लग जाएंगे, देखें इस तरह से। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब यहाँ पर मैंने लेमन लिया। ये लेमन थोड़ा सा हार्ड है, मतलब स्क्वीज होने में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। तो इसका मैं यूँ करूँगी कि इसको मैं 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दूँगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप गर्म पानी में भी 1 से 2 मिनट के लिए डाल के रख सकते हैं, ताकि हमारे ये जो लेमन है थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको थोड़ा सा आपने कट भी लगाना है, मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। बस छोटा सा हमने एक स्मॉल कट लगाना है इस तरह से। यहाँ मैंने 4 लीमू लिए हैं, यानी कि मैं 2 गिलास सोडा वाटर बनाऊंगी। अब हम इसको इस तरह से दबाएंगे लेमन को, ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। और अब कट लगाएंगे इस तरह से। ये देखें कितने इजीली ये कट गया है और आसानी से इसका अब जूस निकलेगा। अब ये देखें कितनी आसानी से नींबू, हमारा नींबू का रस निकल आया है। आपने इस टेक्निक को जरूर फॉलो करना है, आपको बहुत ही आसानी होगी। अब मैं इसी तरह से बाकी के सारे नींबू का रस निकाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने लीमूओं का रस अच्छे से निकाल लिया है। आपने इनके छिलकों को वेस्ट नहीं करना, आपने इसको स्किन के ऊपर जेंटली मसाज करना है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छा ग्लोइंग और शाइनी सा इफेक्ट आएगा। अगर आप इसको चीनी के साथ भी अपने फेस पे रब करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा स्क्रब बन जाएगा। अगर आप छोटे लीमू ले रहे हैं तो आपने 5 लीमू लेने 2 गिलास के लिए, क्योंकि जितना अच्छा उसका मिक्सचर बनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। बीज मैंने इसके सेपरेट कर दिए हैं इसके जूस से, क्योंकि जब मुंह में बीज आते हैं तो वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं देते और ना ही अच्छा लगता है।
तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपने सोडा वाटर के ग्लास की डेकोरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले मैंने इसकी ये जो ऊपर वाली सरफेस है इसको मैंने गीला किया है। अब मैं इसको चीनी के अंदर इस तरह से डिप करके राउंड राउंड करूंगी ताकि ये देखें चीनी इसके ऊपर इस तरह से लग जाए। अब दूसरे गिलास को भी मैं इसी तरह से करूंगी। अब हम इसके अंदर क्यूब्स डाल रहे हैं गिलास के अंदर इस तरह से। दोनों गिलास में हमने क्यूब्स डाल दिए हैं। क्यूब्स के अंदर ही मैंने पुदीना डाल दिया था और पुदीना डाल के मैंने इसको फ्रीज होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ शीरा 2 टेबलस्पून। ये दोनों ग्लासेस में हमने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी काला नमक 1/2 टीस्पून। दोनों ग्लास के अंदर मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 7 अप की बोतल। अगर आपके पास स्प्राइट है तो आप स्प्राइट भी डाल सकते हैं, जो जो आपका टेस्ट है उसके मुताबिक आप बॉटल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कमर्शियल स्टाइल वाटर सोडा बिल्कुल रेडी हो गया है। देखें माशाल्लाह से इसकी लुक चेक करें। इसकी गार्निशिंग के लिए हमने ये 2 स्लाइस लगाए हैं।